आज हम फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं ट्रूक की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुए एयरबड्स प्लस का, और इसमें आपको क्वाड माइक यानी चार माइक का सपोर्ट मिलता है, एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है और डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है। लेकिन आपका भाई प्रैक्टिकली टेस्ट में ज्यादा बिलीव करता है और आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी सारे टेस्ट इसके मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। तो बिना टाइम इसके वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आज हम लेके चल रहे हैं 700 लाइक का टारगेट, गाइस पूरा जरूर कर देना। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। और जो भी दिलो दिमाग में आ रहा है ना वो कमेंट भी कर देना। इसको मैंने अमेज़न से परचेस किया है, 1700 रुपीज इसका प्राइस है। तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का बॉक्स मिल जाएगा, सामने की तरफ ईयरबड्स का जो है इमेज बना हुआ है, ईयरबड्स प्लस जो है सामने लिखे हुए हैं, वहीं साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, वहीं बैक साइड में कुछ और स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गई है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे ना तो सबसे पहले ही जो है ना आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे। ईयरबड्स और चार्जिंग केस अलग से जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इनको अभी मैं निकाल के साइड में रखता हूँ। पहले देख लेते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो यहाँ एसेसरीज की बात करें तो यूएसबी टाइप सी केबल मिल जाती है ब्लैक कलर की, उसी के साथ में यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, तो आप अपने ईयर होल के हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो। वही अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक साल का वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल कार्ड मिल जाता है, उसके अलावा एक और अलग से इसमें जो है आपको एक पेपर मिलता है, वो बेसिकली एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड जो है दिया गया है। तो यस, इस ईयरबड्स में जो है आपको ऐप का भी सपोर्ट मिलता है, उसको आपके अपने फोन से जो है स्कैन कर लेना है, चाहे एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या फिर आईफोन यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। हम एप्लीकेशन के बारे में डेफिनेटली आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं मेन डिवाइस की बात करूँ ना, अपने की तरफ आपको ब्लैक कलर का जो है चार्जिंग केस देखने को मिल जाएगा, जहां पे आगे की तरफ एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, अब जो है डिटेल रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत वही हम बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से करने वाले हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग केस की क्वालिटी की बात करूँ ना तो पूरा मैट फिनिश में आपको चार्जिंग केस मिल जाता है, सामने की तरफ आपको एलईडी इंडिकेटर लाइट वाला जो है एक स्क्रीन मिल जाती है, और उसी के साथ में जो है ऊपर ट्रूक की ब्रांडिंग है। वहीं बैक साइड में आपको बिल्कुल प्लेन डिजाइन मिल जाती है, और नीचे साइड जो है यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज सबसे पहले नोटिस की है कि भाई इसका जो लिड है ना ओपन करने का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी क्वालिटी का जो है बनाया गया है, उसी के साथ में हिंज की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है। इसको जो है आप सिंगल हैंडेडली ओपन कर सकते हो, यानी कि एक हाथ से ओपन कर पाओगे। साइज भी जो है चार्जिंग केस का काफी छोटा है, अपने हाथ में जो है आप आराम से एक हाथ में पकड़ सकते हो। एक फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं इसके मैग्नेट का। तो यहाँ पे अच्छे से जो है मैं शेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और इसके ईयरबड जो है ना चार्जिंग केस से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैग्नेट की क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि चार्जिंग केस से निकल जाए, घूम जाएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की है कि ईयरबड्स को बाहर निकालते टाइम जो है ना आपको ऐसा स्मूथ वाली फीलिंग नहीं आएगी कि एक बार में बाहर निकल रहा है, आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। आई डोंट नो इसका शेप वगैरह जो है उतना परफेक्टली इसको कटआउट नहीं दिया गया है, या फिर पता नहीं क्या है, हो सकता है कि इसको थोड़े दिन के लिए मैं यूज करूंगा तब जो है परफेक्टली हो जाएगा। वहीं ईयरबड्स की बात करें तो काफी छोटे से और बिल्कुल हल्के से जो है ईयरबड्स मुझे लगे हैं। ट्रूक जो है सामने तरफ लिखा हुआ है, 45 डिग्री टिल्टेड है, उसी के साथ में अंदर वाला पार्ट भी इसमें शाइनी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि ईयर टिप्स की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, काफी सॉफ्ट से जो है मुझे ईयर टिप्स लगे हैं। भाई यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स में आपको दो दो माइक मिल जाते हैं, यानी कि क्वाड माइक का सपोर्ट मिलता है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो ये डायरेक्टली इन ईयरफोन के माइक के थ्रू आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया दोनों ईयरबड्स में आपको दो दो माइक मिल जाते हैं, और अभी मैंने जो है ना अपने दूसरे नंबर पे कॉल कर दिया है, वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल कर दिया है, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आपकी आवाज कैसी जाएगी। कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ऑडियो क्वालिटी या फिर माइक जो है कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कॉल क्वालिटी सुनी, ट्रूक ने बोला इसमें कुछ एआई नॉइस कैंसिलेशन करके मिलता है। अब मैं प्रैक्टिकली जो है मैं आपको जवाब दूंगा, तो मुझे कॉल क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया लगी है, दोनों माइक काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, दो दो माइक दोनों में मिल जाते हैं, जिसके कारण बैकग्राउंड में जितना नॉइस वगैरह हो रहा है ना वो काफी ज्यादा रिड्यूस जो है ये ईयरफोन्स कर रहे हैं, जो इस प्राइस रेंज में काफी कम देखने को मिलता है। तो इसकी जो एआई टेक्नोलॉजी है वो कहीं हद तक काम कर रही है, ऐसा गिमिक सा नहीं लगा मुझे। अब यहाँ पे कंफर्ट एंड फिट की बात करते हैं, तो अगर आप जिमिंग के लिए रनिंग के लिए ईयरबड्स को ले रहे हो, ट्रेडमिल वगैरह पे जो है रन कर रहे हो, या फिर जनरली साइकिलिंग वगैरह भी कर रहे हो ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ईयरबड्स आपके ईयर से नहीं निकलेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से हेड शेक वगैरह भी करके देखा है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं ये बिल्कुल भी जो है ना लूज नहीं हो रहा है आपके ईयर से। वही ईयरबड्स IPX सर्टिफाइड भी है, तो अगर आपको स्वेट वगैरह आता है या थोड़ी बहुत बारिश में आप इनको पहन के बाहर निकल रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, झेल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है, अच्छा है, थोड़ा सा लेटेस्ट जो है ब्लूटूथ इसमें आपको मिल रहा है। उसी के साथ में अगर मैं रेंज की बात करूं तो 10 मीटर तक की आपको रेंज मिल जाती है, तो पॉकेट में अगर आपका जो है फोन रखा हुआ है उस टाइम पे कोई भी कनेक्शन ब्रेक की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉलिंग के टाइम पे भी जो है मुझे ऐसा ब्रेक इश्यू फील नहीं हुआ है। बट ये ईयरबड्स डुअल पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ पे ट्रूक ने बोला है कि इसमें आपको 55 ms तक की जो है अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डेडिकेटेड लाइव टेस्ट भी लेकर आया हूँ, गेमिंग का अलग है, वीडियो का अलग है, वो दोनों आप देख कर आओ, उसके बाद में अपना ओपिनियन देता हूँ। तो गाइज अब हम कर रहे हैं वीडियो लेटेंसी टेस्ट, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता पड़ जाए कि अगर आप कोई वीडियो देखते हो ईयरफोन्स को यूज करके तो उस टाइम पे सिंक्रोनाइजेशन कैसा है। यहाँ पे मैं 3 बार क्लैप करूंगा,
अगर ये तीनों क्लैप एक साथ सिंक हुई है तो समझ लेना कि भाई वीडियो लेटेंसी इसकी अच्छी है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पे आपने जो टेस्ट सुना है वो गेमिंग मोड ऑन करने के बाद का है, तो यहाँ पे बोलूंगा गेमिंग में जो है ना मुझे काफी लो लेटेंसी जो है सुनने को मिली है, काफी ऑप्टिमाइज सा जो है मुझे लगा है। टैप करने पे जो है आपको एग्जैक्ट साउंड आ रहा है, उसी के साथ में वीडियो के टाइम पे भी जो है ना लिप सिंक्रोनाइजेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई है। तो यहाँ पे ट्रूक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए 2000 रुपए में ईयरबड्स लेना चाहते हो ना तो ये काफी अच्छे ईयरबड्स मुझे लगे। यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रूक की जो है आपको ऐप मिल जाती है और उस पर जो है आप काफी सारी फंक्शनलिटी वगैरह जो है चेंज कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पे आपको जो है जीपीएस वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके ईयरबड्स की लोकेशन जो है ये आपको बता देगा। तो बाय चांस आपके ईयरबड्स गुम जाते हैं तो आप जो है यहाँ से ट्रैक कर सकते हो मैप के थ्रू। बट यहाँ पे ट्रूक ने जो है ना काफी बड़ा फीचर जो है डालने की कोशिश करी है 1500-1600 रुपए की प्राइस रेंज में, जो एप्पल एयरपॉड्स वगैरह में जो है देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से इस फीचर को जो है ना बाकी ब्रांड्स भी कॉपी कर सकता है, बट ये काफी अच्छा फीचर मुझे लगा है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको ईक्यू का भी जो है ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको काफी सारे इक्विलाइजर जो है मिल जाते हैं, आप जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो पॉप रॉक, अगर आपको बेस बढ़ाना है ट्रेबल बढ़ाना है। वहीं यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जहां पे जाके आप गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन को भी जो है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, तो भाई अगर आप बेस लवर हो तो भाई आपको काफी दमदार मजेदार जो है आपको साउंड इसमें मिल जाएगा, काफी पंची जो है आपको इसमें बेस मिल जाते हैं, डिसअपॉइंट आप नहीं होगे। लाउडनेस की बात करूं तो वो भी यहाँ पे आपको भर भर के मिल जाते हैं। इसको मैं यूजली 70-80% पे सुन रहा हूं, तो काफी ज्यादा लाउड जो इसमें आपको साउंड मिल जाता है। अगर मैं ट्रेबल की बात करूं तो वो थोड़ा सा लोअर साइड में, लेकिन बेस यहाँ पे आपको हायर साइड में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई साउंड क्वालिटी में प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज भी कर सकते हो साउंड को। तो ये एक इनिशिएटिव मुझे काफी अच्छा लगा है। अब इसके टच फंक्शनलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ना प्ले पॉज करने के लिए आप किसी भी ईयरबड्स को सिंगल बार टैप करते हो ना तो आपका जो भी सॉन्ग है जो भी वीडियो है ना वो प्ले या फिर पॉज हो जाएगा। वहीं पे अगर किसी सॉन्ग को आपको नेक्स्ट करना है तो राइट वाले ईयरबड्स को आपको 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा तो आपका सॉन्ग जो है नेक्स्ट हो जाएगा। प्रीवियस करने के लिए लेफ्ट वाले ईयरबड्स को जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा तो आपका सॉन्ग जो है प्रीवियस हो जाएगा। वहीं अगर आपको गेमिंग मोड में जाना है तो राइट वाले ईयरबड्स को 3 बार जो है टैप करना पड़ेगा, आप गेमिंग मोड में चले जाओगे। और अगर आपको इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर इसका ऑन या ऑफ करना है तो लेफ्ट वाले को आपको ट्रिपल बार टैप करना पड़ेगा। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट एंड सिरी के लिए आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स को डबल बार टैप करना पड़ेगा तो आप असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे टच फंक्शनलिटी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन इसमें इन ईयर डिटेक्शन जो है दे तो दिया है लेकिन वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भाई उसको ऑफ ही कर दो। ट्रूक को इस पे ध्यान देना चाहिए, फंक्शनलिटी दी है तो अच्छे से काम भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं, तो ट्रूक ने क्लेम किया है कि भाई इसमें आपको 10 आवर्स तक का जो है सिंगल प्लेबैक टाइम मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया मैं इसको जो है करीब 1-1.5 दिन से यूज कर रहा हूं, अभी तक मैंने जो है चार्ज नहीं किया। इसकी बैटरी लाइफ जो है मुझे करीब करीब 6.5 से 7 घंटे तक की मिली है, बट यहाँ पे ऐसा कोई चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी तो आपको नहीं मिलती है, तो वही आपको 1.5 घंटे तक जो है इसको चार्ज करके रखना पड़ेगा तब जाके फुल चार्ज होंगे। एलईडी यहाँ पे काफी एक्यूरेट जो है इंडिकेट कर देती है कितनी परसेंटेज बनी है। और भाई ये पहली बार जो है ट्रूक की मैंने ईयरबड्स यूज करें और मुझे ऐसा लगता था कि यूजफुल नहीं है, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ काफी यूजफुल है। इससे पता पड़ जाता है कि अगर आपके बैटरी जो है जाने वाली ईयरबड्स की तो आप पहले ही चार्ज कर सकते हो, तो ये फंक्शनलिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बता दी, लेकिन अब अपना कंक्लूजन दूना तो भाई ऐसे लोग जिनको बिल्कुल पावर पैक फुल फीचर्स चाहिए ना 1700 रुपए में, तो भाई ट्रूक के ये ईयरबड प्लस बहुत ही कमाल के ईयरबड है। तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके जो है परचेस कर सकते हैं अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।